एंड अदर स्टिमुलस कम्युनिकेट विद द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पेरिफेरल नर्व। पहले ये लेता है इन्फॉर्मेशन इसीलिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्या करता है, इसके पास मेमोरी होती है, याददाश्त। तुम जब साइकिल चलाना सीखते हो ना तो पहले तुम बहुत दिमाग लगाते हो, गिर ना जाए, बैलेंस मेंटेन करे। जब सीख जाते हो ना तो ब्रेन तक ये अब स्पाइनल कॉर्ड साइकिल चला रहा होता है। तुम बस बैठते हो साइकिल, तुम डिसाइड करते हो जाना कहाँ है। टू व्हीलर आप चलाते हैं, सेम कंडीशन है। फोर व्हीलर जाते हैं, सेम। अब आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसको पता है रिफ्लेक्स दे कि मुझे गाड़ी कैसे चलाना है। तो ब्रेन तक केवल जाता है कि भाई सामने कहाँ है, रोड कहाँ मुड़ना है, किधर जाना है, वो ब्रेन तक। लेकिन आप पाओगे कि थोड़ा छोटा टर्निंग आया, आपने अपने आप थोड़ा स्टीयरिंग घुमा दिया, आपने इसको थोड़ा सा अपने जो है वो हैंडल घुमा लिया उसको, ठीक है। सोचा नहीं आपने कि हमें घुमाना है इसको, ठीक है। आप अपने आप थोड़ा डिल्ट कर दो उसको। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जजमेंटल डिसीजन, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो चुका होता है, ठीक है। जितने लोग जो होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार ये जो स्टंट कर रहा है व्यक्ति, एथलीट है, जिमनास्टिक है, यहाँ से कूदा, उस पर चढ़ गया, वहां से उधर कूद गया, उठ के कैसे करता होगा, तो शुरू शुरू में तो उसको भी चोट लगी होगी, वो नहीं कर पाता होगा। आफ्टर सम टाइम उसके उसके रिफ्लेक्स एक्शन में वो चीज आ चुकी है कि अब वो जब कूदता है तो सीधा वो उस पर जाके खड़ा हो जाता है उठ के। अब वो गिरता नहीं है, वो एक्सीडेंट की बात अलग है, लेकिन इन जनरल वो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसने अपना बॉडी बैलेंस करना सीख लिया है। जो बहुत शार्प डांसर्स होते हैं वो सब होते हैं, वो सब ना सोच के मूव नहीं करते हैं वो, कि मुझे अगला मूव ये करना है, ठीक है, क्या म्यूजिक चेंज होगा तो अब मुझे ऐसे हाथ करना है, फिर चेंज होगा तो फिर मुझे ऐसे हाथ करना है। वो स्कूल में होता है ना, टीचर स्कूल में जो बच्चे डांस करते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं करते, स्टेज पर खड़े हैं सामने मैडम खड़ी होती, मैडम ऐसे ऐसे करेगी, बच्चे भी ऐसे करेंगे, मैडम ने ऐसे किया बच्चे भी ऐसे करेंगे, अटके मैडम फिर समझाती कि मैं ऐसे करूंगी, तुमको इस तरफ करना है ना। कई बच्चे भूल जाते हैं, है ना, बचपन से, फिर वो नीट की तैयारी करते हैं आगे चल के। तो पॉइंट ये कि तो ये सब कुछ जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेंट्रल हब फॉर द नर्व सिग्नल। आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमिंटस का रिवाइंड टेस्ट से ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे। और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।